तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सुमित और आपका हमारे छोटे छोटे चैनल में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं सीओ नेशन के अंदर बहुत ही आसानी से कॉन्करर कैसे गया। तो आप भी कॉन्करर पुश कर रहे हो सोलो एपीपी के अंदर या टीपीपी के अंदर, तो ये वाली वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है जो रैंक पुश कर रहे हैं। तो आपको तो अभी पता ही होगा कि बीजेएमआई के अंदर कितने सारे हैकर आ रहे हैं और अपनी टॉप 10 भी निकालना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। लेकिन ऐसे एक ट्रिक बताऊंगा इस वीडियो के अंदर, आप बहुत ही आसानी से टॉप 10 भी निकाल सकते हो और आपका बहुत ही ज़्यादा प्लस हो जाएगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि आपको भी कॉन्करर पुश करना है, तो ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। और ये वाला वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो यहाँ पर देख सकते हो सिंपली से मेरे टोटल रैंकिंग भी क्या चालू आ रहा है, यहाँ पे सर्वाइवल रैंकिंग भी आप देख सकते होते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी बातें बताऊंगा कि मैं कॉन्करर कैसे पहुंचा, मैंने हैक यूज़ किया कि नहीं, सभी जो भी यूट्यूबर आपको बताते नहीं है सभी मैं सीक्रेट बातें आपको बताऊंगा। और आप भी बहुत ही आसानी से उसी ट्रिक को यूज़ करके बहुत ही आसानी से इसी सीजन के अंदर, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इसी सीजन के अंदर आप बहुत ही आसानी से कॉन्करर ले सकते हो। तो ये वाले वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा एंड तक देखना क्योंकि आपको ये वाला वीडियो एंड तक देखने के बाद आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसे पुश करना है और कैसे प्लस निकालना है, हर मैच के अंदर आपको टॉप 10 कैसे आना है और हैकर से सबसे पहले तो आपको हैकर से कैसे बचना है, सभी बातें इस वीडियो के अंदर आपको क्लियर हो जाएगी और आप बहुत ही आराम से इसी सीजन के अंदर कॉन्करर ले सको। जैसे बीजेएमआई के अंदर सीओ नेशन सीजन स्टार्ट होता है तो मैं प्लेटिनम 4 के ऊपर था, तो प्लेटिनम 4 से मुझे 22 दिन लगे कॉन्करर लेने के लिए। तो सिंपली से आप भी बहुत ही आसानी से 30 दिन के अंदर आप टारगेट रखो कि भाई 30 दिन के अंदर मुझे कॉन्करर जाना है, तो आपका बहुत ही आराम से हो जाएगा। तो सीओ नेशन के अंदर मैंने पूरी बातें सोच के रखे थे, तो मैंने टारगेट पूरा सोच के रखा था कि मुझे कितने दिन के अंदर कितना प्लस करना है और कितने दिन के अंदर मुझे कॉन्करर लेना है। तो उसी टारगेट को मैंने डेली के डेली कंप्लीट किया और बहुत ही आराम से यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे बहुत ही आराम से कॉन्करर मिल चुका है। तो जैसे ही सीजन स्टार्ट होता है तो मैंने टारगेट रखा था कि मुझे प्लेटिनम से डायमंड सिर्फ 2 दिन के अंदर जाना है, लेकिन इतने सारे बीजेएमआई के अंदर हैकर्स आ रहे थे उसका वो टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाया। तो मैंने प्लेटिनम से डायमंड जाने के लिए 4 दिन लगे, तो 4 दिन के अंदर मैं प्लेटिनम से डायमंड चला गया। तो जैसे ही मैं डायमंड के ऊपर आ जाता तो मैं आगे का टारगेट रखता हूँ कि मुझे डायमंड से क्राउन के ऊपर सिर्फ 5 दिन के अंदर मुझे डायमंड से क्राउन के लिए जाना है, लेकिन इतने सारे हैकर सारे इतने मुझे डेली का टारगेट जो रखा था डेली मुझे सिर्फ 100 प्लस करना था, ये वाला टारगेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा था और बहुत सारे हैकर सारे थे भाई जोन के बाहर आके मार के जा रहे थे। तो मैंने फ्रेंड से बात की तो मेरे फ्रेंड्स बोलने लगे इस सीजन के अंदर तुझे कॉन्करर करना है तो भाई हैक यूज़ करना पड़ेगा, विदाउट हैक के आप तू कॉन्करर नहीं जा सकते। ये बात भी मुझे सही लगी और इतने सारे गेम के अंदर हैकर सारे थे और एक भी हैकर बैन नहीं हो रहा था, तो मुझे भी लगा कि यार विदाउट हैक के कॉन्करर नहीं जा सकते। तो मैंने डायमंड 4 के ऊपर एक सस्ता सा हैक डाउनलोड किया और मेरे अकाउंट के ऊपर लगा दिया। तो जैसे एक मैच खेलता हूँ मैंने सिर्फ 3 किल किया और एक मैच कैसे ही खत्म होती है तो ये वाली नोटिस मेरे अकाउंट के ऊपर आ चुकी थी। तो जैसे ये वाली नोटिस मेरे अकाउंट के ऊपर आ जाती तो मैं बोलता कि भाई कॉन्करर गया बाहर में, मुझे कॉन्करर टाइटल नहीं चाहिए, मुझे कॉन्करर जाना भी नहीं है, सिर्फ मेरा अकाउंट बैन नहीं होना चाहिए। तो मैं सिंपली से क्या करता हूँ, मेरा जो हैक था उसको डिलीट करता हूँ और प्ले स्टोर से हमारे जो बीजेएमआई है उसको डाउनलोड करता हूँ। जैसे वो डाउनलोड करने में आ रहा है, हैक को डाउनलोड करने में पूरा 1 दिन चला जाता है, तो उसके कारण मुझे थोड़ा सा वो जो टारगेट था वो कंप्लीट करने में थोड़ी सी लेट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं डायमंड से क्राउन में सिर्फ 7 दिन के अंदर चला जाता हूँ, मतलब पूरे 11 दिन के अंदर मैं 11 दिन के अंदर प्लेटिनम से क्राउन के ऊपर आ। तो जैसे मैं क्राउन के ऊपर आ जाता हूँ तो मेरा अगला टारगेट रहता है कि मुझे क्राउन से एस के ऊपर सिर्फ 10 दिन के अंदर जाना है। आपको भी टारगेट कैसे रखना है और डेली कितना प्लस करना है ये पता नहीं तो ये वाला वीडियो को आप एक बार देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर आपको पूरा पता चल जाएगा कि कौन से टीयर पर आपको कितना प्लस करना है और डेली का आपको कितना प्लस करना है। तो ये वाला वीडियो आप एक बार चेक कर सकते हो, ये वाला वीडियो खत्म होने के बाद इसको जरूर से देखना। तो जैसे मैं क्राउन के ऊपर आ जाता तो मेरा डेली का टारगेट था 50 प्लस डेली करना है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि मैं डेली सिर्फ 5 से 6 गेम खेलूंगा और मेरा ये वाला टारगेट कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे इतने सारे हैकर आ रहे तो ये वाले हैकर से आप कैसे बच सकते हैं मैं अभी आपको बताता हूँ। तो आपको सोलो एपीपी के अंदर हैकर से बचना है तो आपको सिंपली से टीम अप करके ही खेलना पड़ेगा, तभी आप हैकर से बच पाओगे। तो यहाँ पे सिंपली से देख सकते हो हम मैं और मेरा फ्रेंड टीम अप करके खेल रहे, तो आपको भी आपका एक ऐसा फ्रेंड ढूंढ लेना है जो आपके साथ खेलेगा, आपकी मदद करेगा, आपको जो भी बॉट आएगा तो आप मिल बांट के एक दूसरे को बॉट ले पाओगे, तो आप बहुत ही आराम से यहाँ पे कॉन्करर ले सकते हो। यहाँ पर देख सकते हो मैं और मेरा फ्रेंड टीम अप करके खेल रहे, तो ये वाला जो फ्रेंड है ये भी क्राउन 1 के ऊपर है और मैं भी इस मैच के अंदर क्राउन 1 के ऊपर था। तो यहाँ पे देख सकते हो हम बहुत ही आसानी से टॉप 5 आने की कोशिश कर रहे जोन के बाहर। तो टीम अप करके खेलने में 2 फायदे, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में तो आपके ऊपर कोई भी हैकर आपके ऊपर पुश नहीं करने वाला और सेकंड में आप टॉप 10 जैसे आते हो तो आपके फ्रेंड को आप मार सकते हो और बहुत ही आराम से ज़्यादा प्लस निकाल सकते हो। तो ये वाले टीम अप करने के 2 फायदे, तो इसको आप बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हो और कॉन्करर जाने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते। तो हम हैकर से तो बच जाते थे, लेकिन आपको टॉप 10 के अंदर भी कैसे आना और आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्लस भी कैसे करना है मैं आपको अभी बताता हूँ। आपको क्या करना है, सिंपली से जितना प्लेन से जितना दूर जा सकते हो उतना दूर जाना है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा हीलिंग सुटानी है, जितनी ज़्यादा लूट कर सकते हो आपको जोन के बाहर ही लूट करनी है और हर मैच के अंदर आपको टॉप 10 निकालने की कोशिश करनी है। तो आपको हर मैच के अंदर बताऊंगे कि आप जोन के अंदर मत जाना, क्योंकि भाई जोन के अंदर जैसे जाओगे तो अब इतने सारे हैकर्स है तो आपको 1 ही मिनट के अंदर जोन के जाने का अंदर आपको मार देंगे। तो हम हर मैच के अंदर जोन के बाहर ही खेलते थे और टॉप 10 निकालने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे जैसे मैं
जोन के अंदर जाता हूँ लास्ट में, तो हमारे दोनों के 0-0 किल थे, तो हम अंदर जाके एक पोजीशन होल्ड करने की सोच रहे थे। तो हम यहाँ पे जैसे ही जाते तो देख सकते हैकर हमें कितनी गलत तरीके से मार देता है। तो ये वाला पार्ट आप वापस से देखो, जैसे ही मुझे ये वाला हैकर मारता है तो जो फायर की लोकेशन होती है वो लोकेशन आने से पहले हम मर जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसके किल भी कितने और उसका केडी भी यहाँ पे देख सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे हैकर आए गए, जैसे आप जोन के अंदर जाओगे आपको मार देंगे। तो यहाँ पे सिंपली से आपको जोन के बाहर ही खेलना है और हर मैच के अंदर टॉप 10 निकालने की कोशिश करना है। तो यहाँ पे देख सकते हो क्राउन 1 के ऊपर टॉप 10 निकालने के बाद 0 किल के ऊपर 8+ मुझे मिल चुका है। तो यहाँ से ही आप हर मैच के अंदर प्लस निकाल सकते हो, और आपको प्लस नहीं हो रहा है ऐसे भी करके तो आपको सिंपली से क्या करना है, और एक फ्रेंड को आपको टीम अप करके बुलाना है जो गोल्ड के ऊपर होगा, तो उसको बोलना है कि भाई एक मैच के अंदर आ जा। तो यहाँ पे देख सकते हो जो फ्रेंड है इसके साथ भी हमने टीम अप कर लिया था। तो इसके जैसे हम मैच के अंदर आते हैं और उसको हर मैच के अंदर बुलाते हैं लास्ट में और उसको मार देते हैं। तो आपको भी ऐसे ही करना है, हर मैच के अंदर उसको बुलाना है किसी भी आपको फ्रेंड के ऊपर, और जैसे आप मैच के अंदर जाओगे तो आपको उसको भी मार देना है। तो आप ऐसे ही करके बहुत ही आसानी से प्लस कर सकते हो और बहुत ही आसानी से कॉन्कर जा सकते हो। तो ये वाला वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।